नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर जुड़ी है क्राइम से। एक खबर है मीरा भाईंदर वसईवीरा आयुक्तालय की हद में आने वाले मणिकपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत की, जहां के मणिकपुर के एक निवासी हुजैफा बावन गांव वाला के आय का साधन ऑटो रिक्शा चोरी हुआ। 11 तारीख की यह घटना है, 11 अगस्त की। लेकिन इस घटना में पुलिस ने काफी स्फूर्ति दिखाते हुए 8 दिन के अंदर न सिर्फ इस मामले का खुलासा किया, बल्कि इस मामले के साथ 3 और ऑटो रिक्शा चोरी के मामले के खुलासे पुलिस ने किए। इस पूरे मामले की जानकारी आज एसीपी साहिबा ने दी है, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। इस मामले के फरियादी, जो कि काफी साधारण फैमिली से है और ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं, वो हुजैफा बावन गांव वाला से भी हमने बात की। ऑटो रिक्शा मिलने के बाद में उनका गला भराया, उन्होंने पुलिस को काफी दुआएं दी, थैंक्स कहा, तो उनका भी वीडियो आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस ने, और एक नहीं जैसा कि मैंने भी बताया, 4 मामले उजागर किए, जिसमें 2 मामले मणिपुर पुलिस स्टेशन के, एक आचौला पुलिस स्टेशन और एक रबाड़े पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का, 4 मामलों का खुलासा किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस तरह से हुजैफा बावन गांव वाले को अपना रिक्शा फिर से मिल पाया और आगे की उनकी आजीविका चलाने की फिर से उनकी उम्मीदें बरकरार है। इस कारगिरी में मणिपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ PI और उनकी टीम ने काफी अच्छा काम किया, उसके लिए पुलिस को सलाम। देखिए SCP साहिबा का बयान और हुजैफा बावन गांव वाले का बयान। अभी के लिए इतना ही। नाम क्या है? मैंने हुजैफा ताली वकील बावन गांव वाला। हुजैफा भाई, आपके साथ क्या हुआ था? सर, मैंने 11 तारीख को गाड़ी खड़ा किया था 8 बजे, सुबह 5 बजे उठ के देखता हूँ सर मेरी गाड़ी गायब हो गई थी घर के नीचे। सर, मैं बहुत परेशान हो गया, मेरी गाड़ी गई किधर? मैं तो हार्वे पढ़ के उमेर मान में गया, सन सिटी पर आया, सन पीटर के अंदर गया, सर तो ढूंढा आपको 6:30 बजे। सर, मैंने अपने FIR लिखाया कि सर मेरा गाड़ी चोरी हो गया घर के पास से। तो अभी आज क्या परिस्थिति, आपको गाड़ी मिली अपनी? सर, गाड़ी मेरे को मिला है सर, मणिपुर पुलिस को कमरे में मेहनत कर रहा है, मेरी गाड़ी में ढूंढ के दिया होता है मुझे, गाड़ी मेरा मामला में मिला सर। 8 दिन के अंदर आपकी गाड़ी मणिपुर पुलिस स्टेशन ने ढूंढ ली, तो आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है अभी? तो मुझे दिनों में तसल्ली अच्छा लगा कि मेरी गाड़ी मेहनत करके मैंने ढूंढा है सर गाड़ी मेरा, क्योंकि मेरा गाड़ी की रोजी रोटी जब मेरा उसके ऊपर दारो मदार उसके ऊपर ही गाड़ी के ऊपर ही है, और मैं आगे मुझे कोई है नहीं, मेरा बाप नहीं, पिता है ना, भाई है ना भाई, भाई पिताजी कोई है नहीं, सब मेरा घर बार उसमें चलता है सर। मैंने बहुत मेहनत किया गाड़ी ढूंढने में, मेरे को 8 दिन में गाड़ी उन्होंने ढूंढ के दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, मानी पूरी चौकी में मेरा गाड़ी उन्होंने ढूंढ के दिया सर। हुजैफा बावन गांव वाले ये जो फिरियाद है, उन्होंने एक फिरियाद दी कि उनकी बजाज कंपनी जो कंपनी की जो ऑटो रिक्शा है वो चोरी हो गई है। उस पर हिसाब से CCTV फुटेज और जो डम डाटा एनालिसिस है उसके हिसाब से हमारे जो ABS सचिन सानप और उनकी टीम जो है, उन्होंने पूरा एनालिसिस करके 2 जो आरोपी है उनका पता लगाया। उनका नाम है इम्तियाज सैयद कादरी और दूसरे का नाम है आमिर अयूब शेख बल्ले। तो इन दोनों को मुमरा से अटक किया गया है। उन्होंने 4 ऑटो रिक्शा जब्त की है जो 1,95,000 की है, उसमें 4 गुना उगड़ हो गए है। मणिपुर पुलिस स्टेशन के 2 गुने, अचोड़ा का 1 और रबाड़ पुलिस स्टेशन का 1। इसमें PI संपतराव पाटिल के मार्गदर्शन में अभिजीत मड़के, सचिन सानप, तुकाराम भोपड़े और DB की टीम, इन्होंने अच्छा काम किया है। मैडम, ये जो रिक्शा चोरी करते थे, इन रिक्शा का बाद में क्या किया जाता था, पार्ट्स बेचे जाते थे या किस तरह से? ये जो रिक्शा यहाँ से चोरी की गई है वो बाहर लेके जाके उसका नंबर प्लेट बदल दिया जाता है और उस पर नया नंबर प्लेट लगा के फिर से यूज की जाती है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी से बैकग्राउंड है, आरोपी रिक्शा ही चलाते हैं। अरे, वैसा कभी हुआ कि ऑटो रिक्शा का नंबर बदली करके वापस दूसरे गुना में यूज किया गया रहेगा ना? नहीं नहीं, चोरी करने का ऐसा कुछ एक ही का सुनो, ये जो दोनों गुनेगार है उनके ऊपर पहले 10 गुने दाखिल है, अभी इसमें से हमने सिर्फ 4 गुने इसमें हो गए, बाकी पे 6 गुने हैं।
मतलब इसमें टोटल कितने आरोपी है, कितने अरेस्ट हुए, कितने फरार हैं? अभी दो आरोपी हैं, दो आरोपी अरेस्ट हो गए। और कोई है इसके साथीदार? नहीं नहीं अभी तक कोई। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।